आज डेलिश किचनेट में मैं मेक्सिकन साल्सा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि एक परफेक्ट कॉन्डिमेंट है, यानी कि साइड डिश है। यह साल्सा किसी भी स्नैक्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। साल्सा एक प्रकार की चटनी है, जो कि टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, धनिया, लेमन जूस और कुछ स्पाइसेस से बनती है। तो चलिए आइए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। मेक्सिकन साल्सा बनाने के लिए सबसे पहले आप चार मध्यम आकार के टमाटर ले लीजिए और चारों टमाटरों को गैस बर्नर या एयर फ्रायर पर भून लीजिए। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटरों की स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है और उसमें से हल्की हल्की स्मोकी खुशबू आ रही है। इसका मतलब हमारे सारे टमाटर भून गए हैं और इसको रूम टेम्परेचर तक आने का वेट करेंगे। इसके बाद हम 8 से 10 कश्मीरी लाल मिर्च ले लेंगे और उसको तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद भुने हुए टमाटर और भुनी हुई कश्मीरी लाल मिर्च को ब्लेंडर में डाल लें। ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसको गाढ़ा सा पेस्ट बनाएंगे, बिल्कुल चटनी की तरह। यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा तीखा या स्पाइसी पसंद नहीं है अपनी चटनी में, तो आप कश्मीरी लाल मिर्च के बीज निकाल कर तब उसको टमाटरों के साथ पीसिए। हमारी टमाटर और कश्मीरी लाल मिर्च की प्यूरी तैयार है। आगे धनिया पत्ती को आप फूड प्रोसेसर में डाल लीजिए। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर ना हो तो इसको बहुत बारीक चॉप कर लीजिए। हमारा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता बिल्कुल तैयार है। आगे मैंने 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज एक बड़े बोल में डाल दिया है। इसके बाद बोल में 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दीजिए, 1/2 कप बारीक कटा हुआ धनिया, इसके बाद 2 टेबलस्पून हालापीनो। अगर आपको हालापीनो ना मिले तो आप इसमें हरी मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद 2 टेबलस्पून लेमन जूस, फिर टोमेटो और चिली का मतलब कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट डाल दीजिए और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साल्सा को अच्छे से मिक्स करने के बाद स्वादानुसार नमक डाल दीजिए। नमक के बाद 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून टैको सीजनिंग और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी होममेड साल्सा तैयार है। इसको आप किसी भी तरीके के चिप्स या फिर किसी भी स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। ये एक परफेक्ट पार्टी फूड है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय।